लेकिन ज्योतिबा फूले ने लिखा कि अगर क्रिश्चियन स्कूल न होते तो ज्योतिबा फूले नहीं बनते। और गनीमत है कि हम अंग्रेजी राज में हैं, अगर हम पेशवाई काल में होते तो हम जैसे लोग हाथियों के पैर के नीचे कुचलवा दिए गए होते। बौद्ध धर्म ग्रहण करने का मतलब क्या शिवाधारी भिक्खु बन गए डॉक्टर अम्बेडकर? नहीं, हिंदू धर्म में सांस लेना मुश्किल था उस समाज को, जो वंचित समाज है, श्रमजीवी समाज है, दलित समाज है, जो अनटचेबल बना दिया गया है। हवन करने से बड़ा पुण्य होता है, यह तो मैं जानता हूँ कि हवन करने से पुण्य होता है कि नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि हवन करने से आंख लाल जरूर हो जाती है। सभी साथियों को जय भीम, नमस्कार और मेरा अभिवादन। आज की चर्चा का विषय जो है स्त्री विमर्श पर है, और एक पुरुष काफ़ी थे कंचाई लैया, और जितने ढंग से बातें सामने सामने रखी हैं मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कुछ कहने की जरूरत रह गई थी। आज एक बात किसी ने बताई जो कर रहे थे कि केशव चंद्र सेन का नाम लिया कि जब ये बंगाल में गई थी तो केशव चंद्र सेन ने उनसे पूछा कि आपके पिताजी ने आपको वेद क्यों नहीं पढ़ाया। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। उन्होंने शास्त्र पढ़ाए, पुराण पढ़ाए, उपनिषद पढ़ाए, संस्कृत भाषा का अध्ययन कराया, लेकिन वेद क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि पिताजी भी बहुत उदार या बहुत उस ढंग के नहीं थे, वही पुराण परंपरावादी ही थे वो। और यह जरूर खबर उन्होंने बगावत की थी कि अपनी बेटी को या स्त्री को शास्त्र पढ़ना वर्जित था। पूरी ब्राह्मणवादी परंपरा में, ब्राह्मणवादी ग्रंथों में संस्कृत पढ़ना और वो संस्कृत भाषा के माध्यम से पुराणों का, उपनिषदों का, इन सब का अध्ययन करना ब्राह्मण स्त्री के लिए, ब्राह्मण कन्या के लिए एकदम वर्जित था। इसलिए मौजूद सवाल उन्होंने उठाया था। और केशव चंद्र सेन बंगाल के बहुत ही प्रगतिशील नवजागरण के उन्नायक थे, एक बहुत बड़ी हस्ती थे, और उन्होंने सम्मान किया था इनको। इनकी पूरी ख्याति जो बनी संस्कृत का पूरा गहन अध्ययन के नाते, और जो संस्कृत में भाषण देती रहीं, वो बहुत अच्छा था, इंटेलेक्चुअल तो थे ही, सोशल रिफॉर्मर थी रही हैं। और उस मसले को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वेदों का वेद पढ़ने के लिए जरूरी होता है उपनयन संस्कार। उस समय पहले की बात होती रही है, और कम से कम 250-250 साल पहले की बात तो इनकी ही होगी। वहाँ वेद पढ़ने के लिए उपनयन संस्कार का होना जरूरी है, और ब्राह्मणों के बेटों का उपनयन संस्कार तो होता था, लेकिन बेटियों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। इसलिए वैदिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार उन्हें नहीं था। इसलिए पिता भी जानते थे कि संस्कृत पढ़ा दिया, उसी से इतना ज्यादा हो रहा है, जात से बहिष्कृत किए गए, गांव से बहिष्कृत किए गए, जंगल में जाके रहे, यह बड़ा योगदान दिया अपनी बेटी अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए। और यह बहुत ही विरल काम था, उस समय कोई ऐसा कर नहीं सकता था। इतना खतरा कौन लेगा कि अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाए और अजाति हो जाने का घोषणा करे, गांव से बहिष्कृत किया जाए, चारों तरफ उसका अपमान हो, यह सब तो किया एक तरफ, लेकिन उसकी रूढ़िवादिता व जो शास्त्र की, धर्मशास्त्र की जो रही है, उससे बहुत बाहर नहीं निकल पाए थे वो भी। इसे वेदाध्ययन वो नहीं कराया था उन्होंने। एक बात की ओर मैं इशारा करूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई। हंटर कमीशन के सामने चर्चा की बात उनकी आई, तो उसमें 3 लोगों ने अपनी गवाही दी थी। सावित्रीबाई फूले, अरे ज्योतिबा फूले, ये बाल गंगाधर तिलक, और ये रमा
पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई का तो बड़ा व्यापक बड़ा ब्रॉडर उसका स्पेक्ट है जो उन्होंने वहाँ रखा था, और जो उन्होंने वह अपने लिए नहीं जीती रही हैं, वह दूसरों के लिए जीती रही हैं, जो कुछ किया है दूसरों के लिए किया है, स्त्री के लिए, पूरी नारी जात के लिए, कि भारतीय समाज में हिंदू समाज में ऐसा धर्म इतना संकीर्णता वाला समाज कोई दुनिया में कोई समाज नहीं है जैसा हिंदू समाज है। इसलिए भारत से बाहर कहीं वह जा नहीं पाया, भारत से बाहर गया तो नेपाल तक गया, उसके आगे कहीं बढ़ नहीं पाया वह, और नेपाल भी कभी कभी भारतवर्ष के भीतर ही रहा होगा वह। दुनिया के तीन सबसे बड़े धर्म जो हैं क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड बुद्धिज्म, ये दुनिया के तीन सबसे बड़े धर्म माने जाते हैं, पूरे विश्व में फैले हैं, लेकिन हिंदू धर्म जैसा संकीर्ण धर्म, हिंदू धर्म में सांस लेना बड़ा मुश्किल है, जिसके भीतर मनुष्यता होगी और इंसानियत से भरा हुआ जीवन जी रहा होगा उसके लिए उसमें से बड़ा मुश्किल होगा। डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों छोड़ देना पड़ा? बहुत धर्म ग्रहण करने का मतलब क्या शिवधारी भिक्खु बन गए डॉक्टर अम्बेडकर? नहीं, हिंदू धर्म में सांस लेना मुश्किल था उस समाज को, जो वंचित समाज है, श्रमजीवी समाज है, दलित समाज है, जो अनटचेबल बना दिया गया है, वह इस हिंदू धर्म समाज में सांस लेना उसके लिए मुश्किल है, उसका दम घुटता है। अनटचेबिलिटी की सबसे मारक समस्या उसके सामने रही है, अपमानित होने वाली यह रहा है। वहां से उसमें समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का स्थितरूप मिला, जहां हमारे वंचित समाज के लोग हैं, समजीवी समाज के लोग हैं, जिनका घोर शोषण होता है, धार्मिक शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है, राजनैतिक शोषण होता है, जो हर तरह के शोषण के शिकार हैं, उन्हें उस बौद्ध के समाज में, अगर ऐसा बौद्ध समाज बना तो उसमें शासन मिलेगी, उनका अपना एक तरफा रहा वहां। लेकिन ज्योतिबा फूले ने लिखा कि अगर क्रिश्चियन स्कूल न होते तो ज्योतिबा फूले नहीं बनते, और गनीमत है कि हम अंग्रेजी राज में हैं, अगर हम पेशवाई काल में होते तो हम जैसे लोग हाथियों के पैर के नीचे कुचलवा दिए गए होते। पेशवाई पूना, जिस पूना की तो सारे चर्चा के केंद्र पूना है, पंडिता रमाबाई वहीं की, सावित्री बाई फूले वहीं की, और इनका सारा सारा लोगों का जो वही क्षेत्र है वहाँ, वहाँ इतने प्रगतिशील लोग क्यों पैदा हुए, इतने उदार लोग कैसे, सावित्री बाई फूले, पंडिता रमाबाई या और दूसरे लोग हुए? इसलिए कि वहाँ पे पेशवाई सबसे कट्टर वहाँ पर बनी हुई थी, उस कट्टरता ने इतना विद्रोह पैदा किया कि है वहाँ पर एक झलक ही, महाराष्ट्र जो है आंदोलनों की जमीन रही है, तमाम आंदोलन पैदा हुए वहाँ से, इसलिए वहाँ से इन लोगों को अवसर मिला वहाँ पर करने का। उतने कट्टरता नहीं, क्या कहते हैं उसको, चित्पावन ब्राह्मण भी उसमें भी कैटेगरी बनी होगी, दूसरे दर्जे किसकी उसकी, जहाँ इतनी संकीर्णता हो, इतनी जटिलता हो कि वहाँ अपनी बेटी को भी वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, उपनयन करना पड़ेगा, तो दलितों का और स्त्रियों का, केवल ब्राह्मण की स्त्रियां ही नहीं, दलितों का और स्त्री मात्र का वैदिक अध्ययन करने से वर्जित था, वे वेद नहीं पढ़ सकते। मुझे याद पड़ता है 20-25 साल पहले कानपुर में एक महिला, उस पर वेद के कुछ मंत्र बोलने के लिए गई, तमाम जो वहाँ के जमाने में उनको मना कर दिया गया कि आप वेद पढ़ने की अधिकारी, आप मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र ही नहीं इसमें जा सकता, उसमें शूद्र लोग या दूसरे लोग हैं, हम व्याकरण वगैरह पढ़ सकते हैं लेकिन वैदिक शब्द नहीं। और यहाँ एक हिंदी के कवि हैं सरहपा, बौद्ध परंपरा से आने वाले, तो सरहपा ने कहा कि जो है अगर वेद पढ़ने से कोई ब्राह्मण हो जाता है तो दूसरों को भी क्यों नहीं वेद पढ़ा देते कि वो भी हो जाए, चंडाल को क्यों नहीं वेद पढ़ने का मौका देते कि वो भी बन जाए। ये कहते हैं कि हवन करने से बड़ा पुण्य होता है,
यह तो मैं जानता हूं कि हवन करने से पुण्य होता है कि नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि हवन करने से आंख लाल जरूर हो जाती है। हवन करोगे तो आंख लाल हो जाएगी, यह सच्चाई है। लेकिन हवन करने से किसी को मुक्ति मिल जाती है या कोई नहीं जानता। सारे जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं या तुम्हारे शास्त्र हैं, ये सारे के सारे शास्त्र आदर्श कल्पित आदर्श गढ़ते हैं, उसमें कोई सच नहीं है। वह केवल कल्पित आदर्श गढ़ते हैं और वह कल्पित आदर्श देखने में बड़ा अच्छा लगता है। जत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत देवता, कितना बड़ा आदर्श है। जहां स्त्रियों की प्रशंसा लग रहा है ना, स्त्रियों की बड़ी प्रशंसा की। जत नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत देवता, और देवता लोग स्त्रियों की पिटाई रोज करते हैं, घरों में बार बार होती रहती है, वह भी पूजा कर बहुत होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, अरे अपना घर परिवार तो तुम बचा संभाल नहीं रहे हो, वसुधैव कुटुम्बकम का आदर्श आज भी देते हो। अपनी पत्नी को बाहर निकाल रखा, कोई संबंध नहीं बना रखा, वसुधैव कुटुम्बकम का जो उपदेश देते हो। ये आदर्श बात क्या है, केवल कभी इंप्लीमेंट नहीं हुए, इंप्लीमेंट के लिए होते ही नहीं। वो काल्पनिक आदर्श है, जनता को भरमाने के लिए झूठ पाखंड और सच का जो होता है, इस बात को पंडिता रमाबाई पढ़ करके और अपने जीवन के अनुभव से भी दोनों तरह से बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। उसी परिवार से संस्कृत से थी, संस्कृत देखा था, वो भी यह ज्ञान नहीं कि उसमें क्या लिखा गया है, स्त्रियों और दलितों के खिलाफ कितना ज्यादा लिखा गया है, और पूरा का पूरा वहां से आ गया। दलित और स्त्री के लिए दलित स्त्री न धीयताम, सीधे आता उसमें, दलित और स्त्री को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, यह स्थिति। ऐसे समय में जब एक महिला उस पूरी महिला जात के कल्याण के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, तमाम सारे लोगों के लिए वह कर रही है, वह अपने लिए नहीं, अपना तो भोग चुकी, जीवन में भटक चुकी, भाई के साथ कहाँ कहाँ नहीं भूला, और यदि नौबत आई, खाने पीने की नौबत आ गई थी, और सब उसी उसमें रहे, पिता माता जो मर गए तो उसमें से कोई गांव का आने वाला नहीं था, ये आजाती ब्राह्मण हैं, ये बहिष्कृत हैं, उनके ऊपर कोई जाएगा नहीं, उनका शव को छूने के लिए गांव वाले नहीं आए। एक ने थोड़ा एक दिन खाने के लिए दे दिया था, वो बेचारा आया, लेकिन डर के मारे वह अभी उसने उसमें नहीं खाया। आप देखिए, अभी आपने देखा होगा ना, इसमें शव को माँ बड़ी है और पंडिता रमाबाई छोटी सी बच्ची है, उसका नीचे है तो उसका जो बांस है वो अपने सिर पर रखा हुआ है, और उसकी माँ जो है वो उसको अपने कंधे पर लिया हुआ है। ये जो है बांस लेकर के बेटियों को, आपको होता है कि बेटियां कंधा नहीं दे सकती, कंधा देने की बात तो छोड़िए, उनके शास्त्रों में विधान यह है कि स्त्रियां जो श्मशान घाट है वहां नहीं जा सकती, और आज भी परंपरा होती है, पुरुष जाता है दाह संस्कार करने के लिए, स्त्रियां नहीं जाती हैं। और उन लोगों ने इसकी परवाह की, क्या क्या नहीं तोड़ा, सारे वैरियर्स को तोड़ा है, सारे नॉर्म को तोड़ा है, हिंदू नॉर्म को तोड़ा है, जो उसके हिंदू धर्म के नॉर्म थे, जो पाखंडों पर, जो काल्पनिक आदर्शों पर गढ़े गए थे, इन्होंने उसको तोड़ा। और वह देख लीजिए कि अब उन्होंने तोड़ा अपना इस ढंग से, कोई था नहीं उनकी मजबूरी। आज आपने देखा होगा कोरोना काल में तमाम ये जो लोग बनते हैं अपने को बड़े धार्मिक और यहां वहां, कोई नहीं डर के मारे बोलता वहां से। आपको याद होगा कि बहुत सारे मुसलमानों ने आ करके, और हिंदू हिंदू घर में कोई नहीं है, उसके घर का आदमी मर गया, रिश्तेदार डर के मारे रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं, किसी ने कंधा नहीं लगाया। मुस्लिम इलाके से आपने देखा, हमने 10 जगह हमने देखा होगा कि वे इसके लिए नहीं डरते जरते हैं। इंसानियत की बात जहां पर है, वो आए, वो तो पूछा कि भाई हिंदू कैसे हिंदू रीतिवाद से किया जाता है, लोगों ने जैसा बताया उनसे वैसे पूछ पूछ करके उनका दाह संस्कार किया। ये सवाल होता है। और नहीं, उसी काल में मैंने देखा कोरोना काल में कई बेटियों ने कंधा देकर अपना वो किया, क्यों नहीं आके भाई,
बेटों के लिए सारा का सारा यहाँ होता है, वो अपन वंश चलाता है, और आपके सारे हिंदू धर्म ग्रंथ जो है उसी की प्रशंसा करते हैं, स्त्रियों की तो घोर निंदा करते हैं, वहां पर वह गुलाम है उसके लिए डाला है। तो स्त्री क्या है, ब्राह्मण की स्त्री क्या है, गुलाम ही होगी। अगर जनेऊ पहनने से ही श्रेष्ठता होती है तो ब्राह्मण तो श्रेष्ठ हो गया मान लिया। इसीलिए कबीर ने पूछा है कि पहिर जनेऊ जो बाभन होना, मेहरी क्या पहिराया। कबीर ने पूछा सीधे सीधे, बिल्कुल दो टोक पूछने वाला कि पहिर जनेऊ जो बाभन होना, मेहरी क्या पहिराया। यानी जनेऊ पहर के अगर श्रेष्ठ होना है तो तुम्हारी ब्राह्मणी कहां से श्रेष्ठ होगी, वो तो अछूत के अछूत नहीं रह गई। क्योंकि इन्हीं के यहां श्लोक है उसमें से कि वो जो है जो उसके लिए किया गया है धर्मशास्त्रों के लिए आधार पर जिसमें से किया गया है कि संस्कारात जायते शूद्र, संस्कारात जायते जन्मात जायते शूद्र, संस्कारात द्विज उचिते, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं। आदमी जो भी हो जन्मना शूद्र पैदा होता है, संस्कार से ऊंचा होता है। क्या संस्कार है, उपनयन संस्कार। तो ऊंचा तो तुम्हें केवल हो गए, संस्कार तो केवल ब्राह्मण का ही होता है, तो ऊंचा तो वही हो जाएगा, श्रेष्ठ वही हो जाएगा, बाकी सब नीचे ही रह जाएंगे। लेकिन तुम्हारे परिवार की पत्नी भी तो ही रह गई, इसीलिए कबीर ने सवाल किया है। तब तुम्हारे घर में तो एक जो है वो बैठी हुई है, तुम खाया, वह खाना बनाती तुम खाते हो, और दुनिया भर में छुआछूत का भेदभाव बना रखा है, पूरे समाज को दुर्गंध फैला दिया है, भेदभाव से भरा दिया है, और तुम्हारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात उज्जते, संस्कार से वेद आदमी श्रेष्ठ बनता है। तो कौन सा संस्कार तुम अपने घर के लोगों को दिया है। ऐसे माहौल को पंडिता रमाबाई ने बाकायदा देखा था, जीवन के अनुभव से भी और शास्त्रों के अध्ययन से भी। दो बातें उनके साथ थी पंडिता रमाबाई के साथ, शास्त्रों का गहन अध्ययन और आंखों देखा अनुभव, जीवन का अनुभव। दर दर भटकते हुए पूरे देश में भटका है, चारों तरफ भटका है, पूरे कहां से जहां गए, खाने के बगैर मैंने सब तरह का दुख लिखा है। वह जो भोगा हुआ उनका यथार्थ है, किस तरह से गतियां मर रही हैं, किस तरह से दो भाई बहन बने और वही दोनों लोग मिलकर के भाई भी मर गया, अकेली रह गई, और तब भी जो ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया। देखिए जब दूसरा जो विवाह किया, तब किया विवाह उन्होंने, बंगाल में वकील साहब से विवाह उन्होंने कब किया, जब उनकी उम्र 22 साल थी। ब्राह्मणों में घोर मचा, जब बंगाल के ब्राह्मणों में घोर मचा, अरे ये तो क्या हुआ, 22 वर्ष की उम्र में विवाह, यानी जो अब तुम कन्या नहीं रह गई हो, 22 साल की हो गई हो, और उम्र जो होती है वह अधिक से अधिक 12 से 14 साल तक होती है। जिसका कन्यादान किया जाता है उनके यहां तो यही होता है, विवाह की उम्र जो है 12 साल 14 साल ब्राह्मणों के यहां होती है, उसके बीच में विवाह हो जाए, उसके बाद होता रहा। तब की बात है, अब तो बहुत परिवर्तन हो गया, अब तो तमाम सब लोग जो पढ़ी लिखी लड़कियां आ गई हैं, वो सब आ गए, कोई मानने वाला नहीं है। लेकिन उस समय की बात सोचिए, एक तो 22 साल की उम्र में विवाह कर रही है और दूसरा गैर ब्राह्मण से कर रही है, ये कितने ताने सहे, कितना अपमान झेला, कितना लोगों की जलालत झेली है। इतना झेलने के बाद एक महिला अपने लिए नहीं, अपने समाज नारी समाज के लिए करती है। इसलिए जो दुनिया के तमाम देशों में वगैरह प्रचलित है कि पंडिता रमाबाई वाज द फर्स्ट लेडी, माने वो जो फेमिनिस्ट लेडी, यानी आधुनिक भारत की सबसे पहली नारीवादी स्त्री है। क्यों कहते हैं, दुनिया भर के लोग कहते हैं, इसमें पूछता नहीं,
दूसरे एक एक बात और है, तुमसे सवाल किया गया कि आप अपने शारदा सदन में ब्राह्मण वर्ष की विधवाओं को ही भर्ती करती हैं या और लोगों को करती हैं, क्यों नहीं करती हैं? तो उसका उन्होंने जवाब दिया था कि देखिए, जो पिछड़े गैर जली समाज की औरतें हैं उनके ऊपर इतना प्रतिबंध नहीं है, वो दोबारा पुनर्विवाह भी कर सकती हैं, विधवा विवाह भी उनके यहाँ हो सकता है, यहाँ उनका वो नहीं है। हमारे यहाँ तो 9 साल की लड़की होना चाहिए तभी होगा, क्योंकि वह 9 साल तक वह कन्या होती है और कन्या के बाद वह स्त्री के रूप में बदल जाती है, तो कन्यादान नहीं हो पाएगा। इसलिए जो मित्रों इसको पंडिता रमाबाई का कंट्रीब्यूशन आप ऐसे यहाँ से बैठ कर हम लोग नहीं समझ सकते। आज से 250 साल पहले की क्या समाज रहा होगा, कैसी स्थितियाँ रही होंगी और ब्राह्मणों का कैसा रूप रहा होगा, उसे हमें देखना पड़ेगा और तब समझ में आएगा कि कैसे क्या इस ढंग की स्थितियाँ होंगी। मुझे लगता है कि समय बहुत ज़्यादा हो गया और सारे लोग थके हुए हैं, और मैं कहता यही हूँ कि जिसको कम बुलवाना हो या न सुनवाना हो उसको कहीं संत के अंत में कर दो, बात अपनी खत्म हो जाएगी, सुनने वाले रह जाएंगे, हो जाएगा। मेरे पास कुछ कर धन्यवाद।